इंटरनेट काय झालंय यात इंटरनेटला येस अच्छो कैसे है आप लोग? ऑल गुड? चल आओ गुड आफ्टरनून। हर रोज की तरह रिवीजन तो सबसे पहला काम होगा जो हम लोग करेंगे। यस yes, कोई नया है? एक दो तीन। ठीक है बेटा, डरना मत। ठीक है, डरना मत, क्यों? okay, पता चलेगा आपको। चले, सबसे पहले हम लोगों ने बीसीए स्टार्ट किया था। 40 मार्क का एक प्यारा सा सब्जेक्ट है और भाई साहब एमसीक्यू पैटर्न के अंदर में है। बीसीके क्या है सर? एक डोमेन है। अपनी किताबों के ऊपर बिल्कुल ऐसा जोर से आंखें गड़ा दो। बीसीके क्या है बेटा? एक डोमेन है। डोमेन किसका है बेटा? बिजनेस का। बिजनेस मतलब नेशनल इंटरनेशनल दोनों हो सकता है, ये स्मॉल बिग लार्ज कुछ भी हो सकता है, लीगल इनलीगल कुछ भी हो सकता है। इस बीसीके वास्ट, इस बीसीके इलेक्टिक, क्या हम बीसीके में दूसरी वोकैबुलरी भी लेके आते हैं? इज इट इवॉल्विंग एंड एवर एक्सपांडिंग? बिकॉज न्यू बिजनेसेस आर कमिंग ऑन द वे ऑफ डूइंग द बिजनेस इज ऑल्सो चेंजिंग। यस, अगर आपको याद हो तो इसके आगे हम बढ़े थे। बीसीके का नॉलेज के बारे में अगर मुझे अपडेटेड रहना है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके मैं अपडेटेड रह सकता हूँ? न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, मैगजीन्स, सेल्फ अश्योरेंस, सिक्स ऑनेस्ट सर्वेंट, याद आ रहा है क्या आपको? सेल्फ अश्योरेंस एंड ऑब्जर्वेशन एंड डेली प्रैक्टिस, याद आ रहा है? चलो जी, फिर यहां से हम आगे बढ़े। हम लोगों ने देखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ह्यूमन अपने जिंदगी में दो तरीके की एक्टिविटी करता है, बोलो कौन सी? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। एक ऐसी एक्टिविटी विच इज ड्रिवन बाय रैशनैलिटी, इसको क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। विच इज ड्रिवन बाय इमोशंस, हॉबी, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? लव, पैशन, फैमिली टाइम, राइट्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, पैसा। क्लियर है? अच्छा जी, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी हम किसे कह सकते हैं जिससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिले? बेनिफिट कैन बी इन कैश और बेनिफिट कैन बी इन काइंड। इससे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी होना चाहिए। प्रोडक्शन क्या खुद के लिए भी हो सकता है? क्या प्रोडक्शन किसी और के लिए भी हो सकता है? क्या हर कंजम्पशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है? यस। फिर हम लोगों ने देखा था डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट है मतलब मैं किसी के यहाँ जॉब कर रहा हूँ, अगर मैं किसी के यहाँ क्या कर रहा हूँ मेरे बच्चे, जॉब कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए कि क्या मुझे सैलरी मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा? सैलरी। क्या मुझे एम्प्लॉयर के कोड ऑफ कंडक्ट पे वर्क करना पड़ेगा? पर सर्टेनिटी ऑफ इनकम रहेगी? यस। बिजनेस के अंदर में मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। सर्टेनिटी ऑफ बिजनेस का लेन देन नहीं है। क्या इनहेरिटेंस में मैं मेरा बिजनेस अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकता हूँ? यस। लेकिन इनहेरिटेंस में मेरा प्रोफेशन या मेरी जॉब अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकता? शानदार। इसके बाद में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस देखा था। क्या देखा था, बोलो जल्दी से? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस में हमने देखा था बिजनेस एक जॉब क्रिएटर होता है, प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। इसमें एक जेस्टेशन पीरियड होता है, इसको अब जेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं। जेस्टेशन पीरियड मतलब क्या होता है? कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा, मैं रिप्लाई कर दूं। सर जेस्टेशन पीरियड मतलब सेटअप होने के लिए टाइम लगना। यस yes, किसी भी चीज को सेट होने के लिए टाइम लगना। देखो, तुम पैदा हुए तो अचानक से पैदा हुए नहीं, तुमने वहां पे भी 9 महीने का वेट किया, बराबर है? उसके बाद में तुम यहां आ गए तो अचानक से बड़े हो गए क्या? नहीं, तुमने धीरे 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 तुम भी इवॉल्व होते गए, एक्सपांड होते गए, राइट? तो हर चीज को एक समय लगता है, हर चीज को
एक समय लगता है, राइट। समय से पहले वक्त से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ठीक उसी तरीके से बिजनेस भी एक ऐसा चीज है कि बिजनेस आप चालू करोगे पहले ही दिन से, यस यू नो, आपने बोला कि वो राजू भाई वाला फॉर्मूला, अपना बिजनेस होगा, करोड़ों का प्रॉफिट होगा, अरबों की जायदाद होगी, फिर अपन कॉल करके एक दिन बोलेंगे अपने को एक घर चाहिए गोल्फ कोर्स और रेस कोर्स के बीच में। ये देखने सुनने समझने में तो अच्छा लगता है लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। एवरीथिंग टेक्स टाइम, यस राइट। एक रिलेशन को भी डेवलप होने को समय लगता है, ऐसे नहीं अचानक से देखा और हो गया, नहीं है ना, ऐसा नहीं होता। सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है या होना चाहिए। देने वाली यहां तक कि हम सबने पढ़ लिया था अगर आपको याद हो तो। हाँ ये ना, यस। पेज नंबर 8 पे हूं मैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। पेज नंबर 8 पे आइए, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यहां से हम चालू करेंगे आज का लेक्चर। यहां से हम चालू करेंगे आज का लेक्चर। से यस राइट। अच्छा जी, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सबसे पहला, बिजनेस हमेशा कैसा होता है बेटा, इंटरडिपेंडेंट। बिजनेस हमेशा कैसा होता है बेटा, बोलो, इंटरडिपेंडेंट। सर इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट। यस, बिजनेस अपने हर रिसोर्सेस के लिए सोसाइटी पे डिपेंडेंट है। एट द सेम टाइम किसी भी प्रोडक्ट के लिए उसको सोसाइटी पे ही निर्भर होना पड़ता है। किसी भी प्रोडक्ट के लिए उसको सोसाइटी पे ही क्या होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है, राइट। अब जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात की जाए, लेबर, मटेरियल, यू नो, सर्विसेज, इन सब के लिए वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट है। सोसाइटी मतलब जो उसके आसपास का एरिया है वो उस पर डिपेंडेंट है। अब जाहिर सी बात है, मुझे एक बात बताइए, सपोज हम लोग यहाँ पे क्लास ऑपरेट कर रहे हैं, आज क्लास ऑपरेट करने के लिए हम तो पढ़ाते रहेंगे, हमें हमारा सपोर्ट स्टाफ भी लगेगा, एक व्यक्ति जो यहाँ पे आकर के एसी चालू करे, बंद करे, यू नो, सिस्टम लगा दे, हमें टेक्निकल पॉइंट पे हेल्प करे, एडमिशन ले ले, नोट्स डिस्पैच कर दे, यानी हमें भी हमारी एक बहुत बेहतर एफिशिएंट टीम लगेगी। अब ये टीम हम हमारे घर से लेके आएंगे क्या, नहीं, हो सकता है घर पे कोई व्यक्ति हो, पर टीम तो लगेगी। एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता नहीं, अकेले कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, अकेले, अरे मतलब अकेले कुछ नहीं हो सकता, राइट। आपके आपको एक तो चाहिए ना बिजनेस करने के लिए। सो बिजनेस इज इंटरडिपेंडेंट। यस, आज हमें आसपास के लोग लगेंगे, लोकल लैंग्वेज जो जानते होंगे कि वो हमारे बिजनेस के साथ साथ जुड़ जाए, yes, ताकि वो इस बिजनेस को और डेवलप कर सके। क्या कर सकते, बोलो जल्दी से, डेवलप कर सके। सो बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक इंटरडिपेंडेंट होता है सोसाइटी के ऊपर। यस, सो बिजनेस ड्रॉ इट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम सोसाइटी एंड इज डिपेंडेंट ऑन इट फॉर द सेल ऑफ इट्स गुड्स एंड सर्विसेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है भैया सोसाइटी से चीजें ले और सोसाइटी को ही ये सर्विसेज या सेल्स के माध्यम से वापस दे। सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टेक इट फ्रॉम अ सोसाइटी एंड गिव इट बैक टू सोसाइटी। दूसरा, मल्टीपल स्टेक होल्डर, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। स्टेक होल्डर में क्या, गवर्नमेंट आती है, शेयर होल्डर आते हैं, एम्प्लॉई आते हैं, क्रेडिटर आते हैं, हर वो व्यक्ति जो इससे बिजनेस को अफेक्ट हो सकता है वो आता है, हाँ या ना, यस। तो आप अगर देखोगे तो इसमें एक मल्टीपल स्टेक होल्डर भी होता है। अ फर्म इज नॉट ओनली द ओनर, इट इज एज मच एज अदर इन्वेस्टर, लेंडर, एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, कम्युनिटी एंड द लार्ज सोसाइटी एंड इकोलॉजी ऑफ विच बिजनेस इज अ पार्ट, राइट। तो बिजनेस में वन ऑफ द स्टेक होल्डर होते हैं और वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ये होता है कि इसके सारे स्टेक होल्डर का ध्यान रखा जाए, उनके सेटिस्फैक्शन का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब मुझे एक बात बताइए, ये डिस्कशन हमने ऑलरेडी किया है, क्या बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए ऑपरेट होता है क्या, नहीं। यस, प्रॉफिट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव और द ओनली ऑब्जेक्टिव, और हम किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन बिजनेस सर्वाइवल, ग्रोथ, एक्सपांशन सभी के लिए वर्क करता है। सो यस, एक बात है, बिजनेस के सर्वाइवल के लिए एक चीज तो जरूरी है कि आपको कुछ तो प्रॉफिट जनरेट करना ही पड़ेगा। यस, अब ये प्रॉफिट किसी भी बिजनेस एक्टिविटी या किसी भी सर्विसेज के थ्रू हो सकता है। सो प्रॉफिट इज जस्ट अबाउट दैट मच एंड दैट लेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ बिजनेस एज इज ईटिंग फॉर लिविंग। जैसे जीने के लिए खाने की जरूरत है, यस, जीने के लिए प्यार मोहब्बत की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्यार भी सही नहीं है, बहुत कम प्यार भी सही नहीं है, तो जितना जरूरी है बस, प्रॉफिट भी बिजनेस में उतना ही रोल प्ले करता है, राइट। डू वी ईट टू लिव और लिव टू ईट, लाइक वाइज प्रॉफिट इज अ मिनिमम कंसेप्ट, इनफैक्ट अ कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ बींग इन
एंड द कॉस्ट ऑफ स्टेइंग इन द बिजनेस. एक बिजनेस में स्टे करने के लिए आपको मिनिमम प्रॉफिट जितना चाहिए उतना यहां पे होना चाहिए. प्राइमेसी ऑफ कस्टमर, जाहिर सी बात है आप मैक्सिमम दुकानों में जब भी जाएंगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ दिखता है कस्टमर इज किंग, दिखता है. यस, ही नेवर बेग्स, ही नेवर आस्क फॉर डिस्काउंट. यस, किंग कैन नॉट आस्क फॉर डिस्काउंट. खैर ये तो अलग अलग बातें हैं, बट अगर आप देखें किसी भी बिजनेस का एक्चुअल फैक्ट यही है कि कस्टमर इज किंग. सपोज कर लीजिए मैं अगर पढ़ा रहा हूं आपको बहुत अच्छा लग रहा है, राइट, तो डेफिनेटली यू विल ऑल्सो ऑप्ट फॉर वट एवर सब्जेक्ट आई एम टीचिंग, आप उसको ऑप्ट करोगे क्योंकि आपको पता है कि भैया ये बंदा बैठा है मतलब ये जरूर अपने को यू नो मजा देगा, पढ़ाई में आगे लेकर के जाएगा. बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, राइट, तो आप फिर दुनिया कुछ भी बोल रही हो बट आपको नहीं समझ में आ रहा तो विषय ही खत्म है. सो कस्टमर इज किंग. हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उसका कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, उसके कस्टमर को वो सब कुछ मिले जो वो उस कंपनी से या उस ब्रांड से या उस प्रोडक्ट से क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है. इमेजिन करिए साहब, यस राइट, आपकी एक बड़ी खूबसूरत महिला दोस्त, ठीक है, आप उससे काफी दिन से बात करते थे, एक दिन आपने हिम्मत करके बोला कहीं चले क्या चाय पीने के लिए, मतलब यस कहीं चाय पीने हम चल सकते हैं. पहले तो उसने कह दिया नो आई डोंट थिंक टी, आई ड्रिंक कॉफी. निकल, तुझे चाय पसंद नहीं मुझे तू पसंद नहीं. हाँ बेटा एक बात याद रखना, शायरी में कहना चाहूंगा दाद देना जरा. यस यस नहीं होता, वाह वाह होता है. अरे झंडू इरशाद होता है, वाह वाह बाद में होता है. सब साले मेरे ही नसीब में भेजे, सब नालायक. अबे पहले सुनो, है ना, आए वाह 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 वाह. केसरी जीवन पहले इरशाद होता है, ठीक है, ध्यान से सुनो पहले. नहीं, अबे रुके, पहले इरशाद होता है, ठीक है, फिर पहला पैराग्राफ होने के बाद वाह होता है, वाह वाह नहीं होता, सिर्फ वाह होता है, और खत्म होने के बाद वाह वाह होता है, वो भी समझ आए तो, ठीक है. आई इज्जत कहने बाबा माजा लग्न करा. हा तो इरशाद करना चाहूंगा कि दूध में कुछ चाय पत्ती क्या मिली, पहला पैराग्राफ ही खत्म नहीं हुआ सालो. नहीं तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, वापस चालू करो. हाँ तुम लोग क्यों नहीं बोलो, तुम भी बोलो. हाँ ये हुआ ना डी, कि दूध में कुछ चाय पत्ती क्या मिली, दूध का रंग सांवला हो गया. वाह 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 बे, सिर्फ वाह, कैसे सीखेगा बे तू. कि दूध में कुछ चाय पत्ती क्या मिली, चाय का रंग सांवला हो गया, एक सीधा साधा लड़का तुझसे क्या मिला, लड़का बावला हो गया. याद रखना बेटा, जो जो लोग चाय के सगे नहीं होते वो किसी के सगे नहीं होते, ठीक है. सो अगर तुम्हें कोई लड़की कह दे कि नहीं आई डोंट थिंक ट्री मुझे कॉफी पसंद है, अब फ्रंट समझ लेना कि भैया नहीं, वो अपनी दीदी है, दीदी का रिश्ता सही जगह पे, दीदी का रिश्ता सही जगह पे होना चाहिए, अपने साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है. भाई अपन हार्ड कोर टी लवर, ठीक है, अमृत तुल्य. चाय को पुणे में खैर अमृत तुल्य बोला जाता है, राइट. और आपको कभी मेरे से कोई काम निकलवाना हो बस चाय बोल दीजिए, अपना आपका सारा काम हो जाएगा. सो खैर आ जल्दी से. अब अगर आप, जाहिर सी बात है, अब ये बंदा सोचता है कि चलो यार अपन लेकर के जाएंगे, राइट, चाय पिलाने लेके जाएंगे, तो आप दीदी से मिले, किसी की तो दीदी होगी, आप उसकी दीदी से मिले और आप उसको लेकर के चले गए उस दुकान के ऊपर, उस शॉप के ऊपर जो आपने सोचा था यहाँ पे बहुत अच्छी चाय मिलती है. वहां पहुंच गया, वहां पहुंचने के बाद, राइट, आप बैठे हो, आपने ऑर्डर दे दिया, सामने वाला ऑर्डर ही नहीं लेके आ रहा, आपने उसको बोल दिया भैया सैंडविच लाना, एक लाके रख दिया. अब आप भी हेजिटेशन में खाओ कि नहीं, वो भी हेजिटेशन में खाए कि नहीं, दूसरा लाने को उसको 20 मिनट टाइम लग रहा. क्या आप दोबारा कभी उस जगह पे जाना चाहोगे? नहीं. वहां पहली डेट पे आपको टाइम लग रहा है, बहुत सेंसिबल है, आप बोलोगे हाँ लेट लग, ठीक है. तो दोबारा आप क्या बोलोगे, यार क्या सर्विस लगा करके रखी है, क्या मजाक लगा करके रखा है. सो देखिए एक बात समझिए, कस्टमर अगर आपकी सर्विसेज से खुश है, राइट, तो ही विल ऑलवेज रिकमेंड इट टू अदर्स, जिससे बिजनेस डेवलप होगा. सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज कि भैया आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करो. यस, ही उसकी नीड्स को आप क्या करो, आप सेटिस्फाई करो. परफॉर्मेंस इज द प्रीकर्सर टू प्रॉफिट, जाहिर सी बात है. बिजनेस
तब सक्सेसफुल होता है जब आपका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे। कैसा परफॉर्मेंस रहे? कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ही क्या निकालता है? आउटपुट निकालता है, प्रॉफिट निकालता है और सक्सेस भी निकालता है, राइट? एक हीरो आया, एक हिट पिक्चर दी, चला गया, इसके बाद साल भर कोई पिक्चर नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। पीपल धीरे धीरे इसको भूल जाएंगे। किस क्या करेंगे? धीरे धीरे इसको भूल जाएंगे। सर सीधा सिंपल हिसाब है, वो सीधा इसको भूल जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। सो टू बी एबल टू अर्न प्रॉफिट द फर्म हैज टू एक्सेल इन ऑल फंक्शनैलिटीज, दैट इज प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। दस इवन इफ प्रॉफिट इज ऑब्जेक्टिव, इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन टू रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव फॉर ईच ऑफ दिस एरिया। सारे एरिया को एक साथ एक्सेल करना होगा, अदरवाइज ये होने वाला नहीं है। यू मैन, राइट? चलिए पहले यहां तक के लिखिए, देर आर सर्टन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देर आर सर्टन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सो बीसीके इज इंटरडिपेंडेंट, बीसीके दैट इज बिजनेस इज इंटरडिपेंडेंट, बिजनेस इज इंटरडिपेंडेंट पॉइंट टू, बिजनेस हैज मल्टीपल स्टेक होल्डर। पॉइंट नंबर थ्री, बिजनेस डू नॉट जस्ट वर्क फॉर प्रॉफिट। द मेन गोल ऑफ बिजनेस इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। द मेन गोल ऑफ बिजनेस इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। लिख लिया मेरे बच्चे चारों पॉइंट? वाक्य है। बिजनेस की कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। बिजनेस की क्या है बेटा? कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। कुछ ऑब्जेक्टिव बिजनेस के, जिनमें सबसे पहला होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है बेटा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक मतलब आप सभी को पता है प्रॉफिट। इकोनॉमिक मतलब आप सभी को पता है क्या मालिक? प्रॉफिट। बिजनेस का वन ऑफ द, क्योंकि उसके सर्वाइवल के लिए ही सबसे ज्यादा जरूरी वही चीज है। अच्छा, आप लोगों ने वो एनपीओ नाम की चीज सुनी होगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सुना है कभी? आप मुझे बताइए, एनपीओ का मतलब ये होता है क्या कि वो प्रॉफिट ही नहीं कमाते, या उसका ये मतलब होता है कि वो प्रॉफिट तो कमाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते? क्या होता है एनपीओ का मतलब? क्या होता है? क्या वो प्रॉफिट ही नहीं कमाते, या प्रॉफिट तो कमाते हैं पर वो अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते? आपको क्या लगता है क्या सही है दोनों में से, फर्स्ट और सेकेंड? सेकेंड, यस। बींग ह्यूमन, सलमान भाई का ट्रस्ट आपने देखा होगा, यस सलमान भाई, सलमान भाई, सलमान भाई का आपने देखा होगा, बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट है। क्या वो प्रॉफिट नहीं कमाता? प्रॉफिट तो कमाता है, टी शर्ट्स बेचते हैं, परफ्यूम्स बेचते हैं, और यू नो अलग अलग मर्चेंडाइज बेचते हैं, जैकेट्स एंड ऑल, प्रॉफिट तो कमाते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट को क्या नहीं करते? डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। वो रादर उस पर्पस के लिए यूज करते हैं जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया था। यानी इनफैक्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। सो एवरी बिजनेस, ईच एंड एवरी बिजनेस विल हैव वन ऑफ द एक्टिविटीज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सेल्स, प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एफिशिएंसी, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एटसेट्रा, ये सारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर में आते हैं, राइट?
सर सेल्स प्रॉफिट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आपको समझ गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आपने जितना कैपिटल लगाया उसमें आपको कितना रिटर्न एवरी ईयर मिल रहा है, ये क्या होता है, यू नो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, मार्केट शेयर, ये सब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है कि भैया हमें कितना परसेंट मार्केट शेयर। अगर नूडल्स बिजनेस देखा जाए, नूडल्स एज अ बिजनेस देखा जाए तो मैगी हैज गॉट मोर देन 72% एज मार्केट शेयर। मैगी के बाद आता है यीपी नूडल्स, आपने नाम सुना वो ऑरेंज कलर का बैग, यीपी नूडल्स आता है, यीपी नूडल्स के बाद आता है आपका पतंजलि है ना, आटा मैगी, एंड इसके बाद रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो मार्केट को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। दूसरा होता है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है बेटा? ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव के अंदर में आप ये ध्यान रखते हो कि भैया हम इन तरीके के प्रोडक्ट्स में डील करें, राइट, जिसके अंदर में सर्वाइवल, हेल्थ, यू नो इस तरीके की चीजों को हम डेवलप करें, सर्वाइवल, हेल्थ, एज ऑफ असेट, फिटनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल जनरल एंड कॉन्टिंजेंसी ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ केपेबिलिटीज, ये सारी चीजें अपने ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव में है। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे पहला बिजनेस सर्वाइव कैसे करेगा, इसके ऊपर फोकस करना, हाउ बिजनेस विल सर्वाइव। दूसरा हेल्थ, बिजनेस का हेल्थ हमेशा चेक करते रहना कि क्या हम कोई आउटडेटेड प्रोडक्ट में तो नहीं जा रहे, या हमारा बिजनेस आउटडेटेड तो नहीं हो रहा। तो यहां पे हेल्थ का जो मतलब है ये है हेल्थ ऑफ बिजनेस, चेक करते रहना। क्यों? क्योंकि सही समय पे कट लेना जरूरी होता है, सही समय पे कट लेना जरूरी होता है। एक टाइम आता है जहां पे हर एक बिजनेस का एक एज फैक्टर होता है, वो एज फैक्टर खत्म हो जाता है, या उस प्रोडक्ट का जो क्रेज होता है ये खत्म हो जाता है। इस टाइम पे आपने इस बिजनेस से क्या हो जाना चाहिए, आउट हो जाना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, राइट, कुछ लोगों ने सीरियसली अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। जैसे एक जो यू नो जो व्यक्ति चप्पल सीते थे, चप्पल बनाते थे, इन लोगों ने सीरियसली, अगर इनका एज यंग है और बाकी चीजें हैं, तो इन्होंने क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। दूसरा अगर आप देखोगे तो जो लोग यू नो नॉर्मल वॉच बिजनेस के अंदर में है, या जो छोटे बिजनेस के अंदर में एंटर कर रहे हैं, मेरे को लगता है इन्होंने इसको क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। जो लोग अभी तक टीचिंग में हैं और अभी भी ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा रहे हैं, इन्होंने क्या करना चाहिए, या तो अपग्रेड करना चाहिए, या तो क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो एवरी बिजनेस हैज टू चेक इट्स सर्वाइवल, क्या हम सर्वाइव करेंगे आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर में। दूसरा हेल्थ चेक करना कि भैया बिजनेस का हेल्थ कैसा चल रहा है, आर वी गोइंग इन टू प्रॉफिट, आर वी गोइंग इन टू लॉसेस, बिजनेस हेल्थ वाइज कैसा है, प्रोडक्ट हेल्थ वाइज कैसा है, यस ये प्रोडक्ट को लोग पसंद भी कर रहे हैं या बंद कर दे रहे हैं। रिसेंट का आप देखिएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया गया, यस और नो, आपने भी सुना होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो ई लिख के ऐसा पृथ्वी का साइन आता था जिसके ऊपर, एक्सप्लोरर जिसको बोलते थे इंटरनेट के लिए। क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब से लोगों ने गूगल क्रोम, यस गूगल क्रोम लिया, माइक्रोफॉक्स लिया, या इस तरह के एक्सटेंशन यूज करने चालू किए, तब से इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हो गया। अब वो जब चल ही नहीं रहा तो उसके लिए एम्प्लॉय लगा करके, उसके लिए कॉस्ट लगा करके, उसको अपडेट करके कोई मतलब नहीं है। जब चल ही नहीं रहा, बिजनेस ने देखा कि भैया इसका हेल्थ ठीक नहीं है, सर्वाइवल नहीं है, क्योंकि लोग आ ही नहीं रहे। लोगों के पास इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा लेकिन वो उसको यूज तक के नहीं कर रहे, वो जा रहे हैं क्रोम को यूज कर रहे हैं, यस। सो व्हाट इज दैट, एक सही समय पे उन्होंने क्या कर दिया, इस चीज को बंद कर दिया, अभी हम बंद कर देंगे। मारुति के 800 को देखिए, मारुति का 800 एक टाइम पे ये वो गाड़ी थी जिसको सर सचिन तेंदुलकर सर ने भी यूज किया हुआ है, राइट। दूसरा ये गाड़ी सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी थी इंडिया के अंदर में, एक समय था मारुति 800 होना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज वाला बात था, बहुत बड़ा प्रेस्टीज वाला बात था। फिर आपको एक याद होगा एम्बेसडर कार आती थी, वो व्हाइट कलर की, इस तरह की, आज भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एम्बेसडर्स में घूमना पसंद करते हैं, वो उनकी शान है, राइट। सो अगर आप देखोगे कोई अदर देन जिसको ये एम्बेसडर कार का ये नहीं है गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो करके, तो अगर आप देखोगे तो ये गाड़ियां अब खत्म हो चुकी है। Yes, एक टाइम आया जब इनको समझ में आ गया कि नहीं यार ये नहीं वर्कआउट कर पा रहे, यू नो डिजाइन आ चुकी थी, स्विफ्ट आ चुकी थी, ऑल्टो वर्क कर चुकी थी, क्योंकि अब ये हो गया एक टाइम, इसने एक बहुत बड़ा एरा निकाल दिया, अब इसे बंद कर देना चाहिए। उन्होंने चेक किया सर्वाइवर एंड हेल्थ, जैसे ही स्विफ्ट का सेल बढ़ा एक नया प्रोडक्ट लेकर के आ गए, धीरे से उन्होंने क्या कर दिया 800 बंद कर दी। ओमनी आती थी याद है, मैक्सिमम पिक्चर के अंदर में वो किडनैप के लिए यूज किया जाता है वो वाला, वो ऐसा गेट खुलता है जिसका वो वाला, राइट, किडनैपिंग वाली गाड़ी बोला जाता है जिसको, राइट, वैन, जी हाँ वैन, वैन, आपको पता है ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट, राइट, सारी मूवीज ने बर्बाद करके रख दिया यह किडनैपिंग वैन बोल करके, बट ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट था। उनको समझ में आया कि एक पॉइंट के बाद इसे चलाना सही नहीं है, लिया बंद कर दिया, आगे बढ़ो, खत्म हो गया काम,
राइट right? तो एक सही समय आता है जब आपको बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये चेक करना पड़ता है, सर्वाइव हो पाएगा कि नहीं, हेल्थ इश्यू कैसा है बिजनेस का, राइट, एजेस ऑफ असेट, असेट के एजेस कितने हो चुके। हो सकता है आपका बिजनेस हो कई सालों से हो, लेकिन आप आज भी पुराने असेट ही यूज करे जा रहे हैं, ना वो वर्क करते ना वो आपके काम के हैं, आपको उसको चेंज करना चाहिए। आप देखिएगा कई दुकानें ऐसी हैं जो हर 10 साल बाद अपना दुकान का इंटीरियर चेंज करते रखती है ताकि कस्टमर को फ्रेश लगे। कस्टमर को क्या लगे? फ्रेश। बहुत ओल्ड दुकान में अगर आप जाओगे, अभी अभी देखिए कई सालों पहले जो कपड़े की दुकान बहुत फेमस होती थी, ठीक है, आज आप वहां पे जाओगे नहीं। क्यों नहीं जाओगे? वो गद्दी वाला सिस्टम है, आज भी कई दुकानों में गद्दी वाला सिस्टम है। लोगों को खरीदने का तरीका बदल गया है। लोगों को चाहिए भैया वहां पे कपड़े लगे हुए हो, वो जाए जा करके ट्रायल रूम जैसी कोई चीज होनी चाहिए, लोग ट्राई करें, क्योंकि आज लोग कपड़ा ट्रायल के थ्रू पर, पहले होता था दुकान पे जाओ आपको आपका साइज पता होना चाहिए था, या तो तुरंत वो मेजर करता था और वो कपड़े दिखा देता था, नो ट्रायल नथिंग नथिंग नथिंग। बट ये कंसेप्ट चेंज हो गया है, आपके असेट अब पुराने हो चुके हैं तो इसे बदलिए। असेट अगर पुराने हो चुके हैं तो क्या करना है आपको? इसे बदलना है। फिटनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये देखिए कि आपके यहाँ जो एम्प्लॉइज है ये कैसे है। रिसेंटली अगर आप देखेंगे, एक एक एग्जाम्पल देखते जाओ, अगर आप देखोगे तो बॉस एयर इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया बहुत तगड़ा एयरलाइन, रिसेंटली किसको सेल हुआ? टाटा। यस, रिसेंटली किसको सेल हुआ? टाटा को सेल हुआ, राइट right? अब मैं आपको एक और चीज पूछता हूं, अगर आपने देखा होगा एयर इंडिया को लेकर के एक जोक बनाया जाता था, क्या जोक था? पता ही नहीं, पता है कुछ? एयर इंडिया को लेकर के एक जोक बनाया जाता था, जोक था कि भैया आप एयर इंडिया में जब भी बैठोगे आपको घर वाला फीलिंग आएगा, आपको आपकी मम्मी और बुआ दिखेंगे एयर होस्टेस बोल करके। जबकि अदर सारे एयरलाइंस के अंदर में ना, आप जब भी एयरलाइन के अंदर में एंटर करोगे आपको काफी खूबसूरत दीदी देखने को मिलेगी, किसी की तो दीदी होगी ना, यस आपको काफी खूबसूरत दीदी देखने को मिलेगी। लेकिन यही एयर इंडिया और एसबीआई वाला सिचुएशन अलग होता था, राइट right? अभी आप एसबीआई में बैंकिंग के लिए जाते थे, पहले तो आप 5-6 टेबल घूम लेते थे मिनिमम, तब तक के लंच ब्रेक हो जाता था, फिर 5-6 टेबल घूम लेते थे, तब तक आपको पता था आप ब्रांच ही नहीं है आपका, ठीक है। यही आप HDFC ICICI में जाओ, आदमी पैसे निकालने गया वो उल्टा डिपॉजिट करके आ जाता उल्टा डिपॉजिट करके आ जाता। अब यू नो एयर इंडिया के अंदर में क्या हो रहा था, जो एम्प्लॉइज थे ये काफी ओल्ड थे, ओल्ड एज थे, अब ये उनकी प्रथा, बिकॉज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से नहीं निकालता। अब जैसे टाटा ने टेक ओवर किया, टाटा ने क्या किया आपको पता है? सबसे पहले VRS स्कीम लेके, वॉलेंटरी रिटायरमेंट, हम आपको निकालेंगे नहीं, आप ईमानदारी से खुद वॉलेंटरीली रिटायर हो जाओ, खत्म हो गया काम, मतलब आपका एज हो चुका है, ह्यूमन रिसोर्स काफी ओल्ड हो चुके हैं, ठीक है, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है, जो बहुत अच्छे वर्कर है उन्हें रिटेन कर दिया गया, जो नहीं है उन्हें बोला गया ठीक है थैंक यू नमस्ते ओके मैं थैंक यू, राइट। सो बिजनेस को ये चेक करना पड़ता है, दीज आर ऑल ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस को देखना होता है, क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, असेट्स का हेल्थ कितना है, ह्यूमन रिसोर्सेज का हेल्थ कितना है, फिर कैपिटल एंड जनरल कॉन्टिजेंसीज ग्रोथ, भैया हमारा बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है क्या, हमारे कैपिटल का ग्रोथ हो रहा है क्या, कॉन्टिजेंसीज अगर कुछ हो जाता है तो इसमें रिस्क है नहीं है, ये सारी चीजें क्या बनती है? ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने कहा हर बिजनेस सोसाइटी से ही सब कुछ लेता है और सोसाइटी को ही बेचता है, तो जाहिर सी बात है उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके तरफ बनता है? सोसाइटी के तरफ बनता है। कम्युनिटी सर्विस में वो क्या हेल्प कर रहा है ये देखना होगा, राइट। अब जैसे अगर आप देखोगे COVID-19 में मैक्सिमम बड़ी कंपनीज ने क्या किया, कोविड के लिए, कोविड रिलीफ के लिए पैसा दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनका कम्युनिटी सर्विस है। आज जब भारत देश के अंदर में वो बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स को, राइट, तो ये जाहिर सी बात है कि वो क्या करना चाहिए, उन्होंने भी ये वापस से कंट्रीब्यूट करना चाहिए जब जरूरत पड़े। हेल्थ एंड एजुकेशन, राइट, मैक्सिमम अगर आप देखोगे बड़ी कंपनीज जो होती है जिनने काफी प्रोडक्ट कमाए, काफी पैसा कमाया है, ये हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के अंदर में भी घुस जाती है। अब जैसे अगर आप देखोगे तो स्टार गुटका, नाम पता है स्टार गुटका, संजय घोड़ावत ग्रुप, नहीं सुना कभी? अरे भाई कोल्हापुर नहीं गए हो क्या कभी? अगर आप कोल्हापुर रीजन या कोल्हापुर एरिया के आसपास में, सातारा के आसपास में है, तो आपको वहां पे एक घोड़ावत ग्रुप दिखेगा, राइट, संजय घोड़ावत ग्रुप, कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा, बहुत बड़ा ग्रुप है सर, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है, राइट। सो अगर आप देखोगे ही इज इनटू कम्युनिटी सर्विस, ही इज इनटू एजुकेशन, ही इज इनटू हेल्थ, उनका सब कुछ है, राइट। RMD, राइट, RMD के स्कूल भी है क्या आपको पता है? मानिकचंद स्कूल भी है, है है है, राइट, सिर्फ विमल के ही नहीं है अभी तक ये, हाँ हाँ विमल के ही नहीं है,
बट बाकी तो है। सैनिटाइजेशन भैया, ये सैनिटाइज आपको पता है, ये जमशेदपुर, जमशेदपुर के अंदर में टाटा ने ये सारी एक्टिविटी की है एज अ पार्ट ऑफ देयर CSR। कहीं सुना सुना सा लगता है CSR, क्या होता है CSR बेटा? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये CSR भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव होता है, राइट? हेरिटेज कन्वर्सेशन, हेरिटेज कन्वर्सेशन क्या होता है भैया? कि कोई पुरानी चीज है, राइट? कंपनीज कई बार उसमें पैसा खर्चा करती है उसको प्रिजर्व करने के लिए। अब जैसे अगर आप पुणे के शनिवार वाड़ा में जाओगे, राइट, तो वहां पे आप कई कंपनीज के बोर्ड देखेंगे जो एक्चुअली वहां पे खर्चा कर रहे हैं उस जगह को मेंटेन करने के लिए, उस जगह को अपकीप रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, राइट? इसके बाद सपोर्ट ड्यूरिंग कैलेमिटीज एंड डिजास्टर। कई कंपनीज अगर कहीं कुछ डिजास्टर हो जाता है तो सामने आती है, वहां पे पैसा देती है उसको रीडेवलप करने के लिए, वहां के लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई बेटा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होता, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनिक भी होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। फिर है लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। एक बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो लीगल और एथिकल भी करना होता है। लीगल और एथिकल मतलब वो जो प्रोडक्ट दे वो सही दे, उसकी जो क्वालिटी दे वो सही दे, यस, उसकी जो क्वालिटी दे वो सही दे, लोगों के साथ फेयर डीलिंग हो। अगर मान लीजिए, राइट, इमेजिन कीजिए आप प्रोफेशनल बन गए, CA CS CA में जो करना था कर लिया, ठीक है, पहली सैलरी आई, आपने बोला कि आप क्या करोगे, आप जाओगे पप्पा के लिए एक स्पोर्ट्स शूज खरीदोगे, एडिडास का। कौन सा? एडिडास। एडिडास का फुल फॉर्म पता है? फुल फॉर्म पता है एडिडास का? एडिडास को फुल फॉर्म भी है? एडिडास का फुल फॉर्म है, चाय पिलाओगे तो बताऊंगा, पिलाओगे? हाँ तो बोल लो। एडिडास का फुल फॉर्म है ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स, ADIDAS, ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स, एडिडास। फिला भी एक ब्रांड होता है, पता है आपको? फिला, फिला, FILA, राइट? फाइनली आई लीव एडिडास। वन ऑफ द एम्प्लॉय फाउंडर जिन्होंने एडिडास को छोड़ा और फिला बना दिया, फाइनली आई लीव एडिडास। नहीं पता था ना ये सारी चीजें? ऐसा सही लेक्चर में आने का रे, फुल रिस्पेक्ट। चलो सर, अगर आप देखोगे ये बंदे का पहला सैलरी आया, राइट, ये मेरा भाई गया, ये मेरे भाई को पहला सैलरी मिला 70,000 रुपए, ठीक है भाई तेरा, बोला भाई तेरा आज जो थारा भाई क्या करेगा, थारा भाई आज एडिडास के जूते लेगा, एडिडास के शोरूम में जाता है, पप्पा के साइज के हिसाब से जूते पसंद कर लेता है और घर पे जाकर के पप्पा को देता है, पप्पा ये लीजिए आपके लिए मैंने स्वयं 10,000 रुपए के एडिडास के जूते लेके आया। आपको पता है हमारे पप्पा की आदत होती है हर चीज को टटोल, स्पेशली हम जब खर्चा करके आए हो तो पप्पा ऐसा उठा करके देखते हैं जूते को, स्पेलिंग आबिबास, स्पेलिंग आबिबास, पप्पा इधर इधर इधर, कौन से जूते लेके आए तू? पप्पा एडिडास। बिल बता। भाई ने बिल निकाल के दिखा दिया, पप्पा 10,000 GST भी पे किया। पप्पा ने जूता उठाया, बैठ नीचे बेटा, आ मेरे बच्चे, जोर से मारा, इतना पढ़ाया रे तेरे को, स्पेलिंग नहीं आता, झंडू क्या लिखा है? आबिबास। तू क्या लेके आया? आडिडास। ओ पप्पा मेरी गलती नहीं, ओ उसने मेरे को ऐसा दिया, तेरी अक्कल धूल खाने गई थी, किधर मुंह मार रहा था तू, क्या कर रहा था? जाहिर सी बात है, जब आप एक बिजनेस में कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाओगे आप कुछ तो एथिकल वैल्यूज उससे एक्सपेक्ट करोगे या नहीं करोगे? कि यार आप शोरूम में गए हो, आप इतना पैसा पे कर रहे हो तो आपको कुछ तो अच्छी चीज मिलनी चाहिए, आपको ब्रांड का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, पता नहीं आडिडास के नाम पे आबिबास डाल दिया, राइट? ऐसा होना चाहिए कि आपके साथ नहीं। सो एवरी बिजनेस हैज इट्स लीगल एथिकल वैल्यूज, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। आपको पता है पुणे के बीच में एक नदी चल रही है, पूरे पुणे को क्रॉस कर रही है एक नदी, मूले मुठे बोला जाता है। पहले मूले मुठा एक नदी हुआ करती थी, ये जो मूले मुठा है ये एक नदी हुआ करती थी, राइट? इसके बाद क्या हुआ, कई फैक्ट्रीज ने अपना जो भी कचरा निकलता था वो उसके अंदर में डंप करना चालू कर दिया। आज वो नदी बची ही नहीं, आज वो नाला बन गया है, यस। तो आप देखिए हर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनवायरमेंट पे भी ध्यान दे। आपको बताए कार्बन क्रेडिट नाम की चीज कभी सुनी है? कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कार्बन क्रेडिट पता है? कुछ भी आइडिया है? नहीं तो बताओ, मैं जल्दी जल्दी बताऊं, पता है नहीं पता है?
नहीं बताया। अच्छा सुनिए, कोई भी फैक्ट्री जब भारत देश के अंदर में लगती है, इनको एक लिमिट होता है कि ये कितना पोल्यूशन एमिट कर सकते हैं, इनको एक लिमिट होता है कितना पोल्यूशन ये एमिट कर सकते हैं। अगर ये लिमिट से ज्यादा पोल्यूशन एमिट कर रहे हैं तो ये कंपनीज को किसी दूसरी कंपनी के पास जाना होता है और उनसे डील करनी होती है कि भैया आपने अभी तक अपना इतना पोल्यूशन, लेट से आपको 40,000 का लिमिट दिया था, आपने सिर्फ 10,000 तक का ही लिया है और मेरा ज्यादा हो रहा है, मैं आपसे वो क्रेडिट खरीदना चाहता हूँ, आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे हम करेंगे उसके बिहाफ पे। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, ये एक्सेस प्रोडक्शन कैसे कर पाती है, ये किसी छोटी कंपनी से क्या खरीदती है, कार्बन क्रेडिट्स खरीदती है कि भैया अब आप प्रोडक्शन नहीं करोगे, आपको 40 का लिमिट है, मेरे को भी 40 का लिमिट है, अब आपका उतना सेल नहीं है मेरा उतना सेल है, तो आप 10,000 के ऊपर नहीं बनाओगे, हम ये पूरा एक्सेस बनाएंगे, राइट, आप ये क्रेडिट हमको दे दो, हम इसके लिए बदले में आपको क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। सो व्हाट इज दैट, दैट इज कार्बन क्रेडिट। तो हर कंपनी की एक इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो कचरा सही जगह पे डिस्पोज करे। अब देखिए, आप नॉर्मली जो नॉर्मल दुकानों का कचरा होता है वो आपको रोड पे दिख जाएगा, सब जगह दिख जाएगा, हॉस्पिटल की सिरिंज वगैरह कभी यूज की हुई आपको दिखती है? नहीं। क्यों नहीं दिखती है? बिकॉज उनके ऊपर एक गाइडलाइन है कि वो जब भी, क्योंकि खून कॉटन में खून लगा हुआ होगा या पीप लगा हुआ होगा या कोई दवाई लगी हुई होगी, अगर ये किसी जानवर के हाथ में, बच्चे के हाथ में या किसी बुजुर्ग के हाथ में लग जाए तो हो सकता है इससे इन्फेक्शन फैलने का डर हो। इसीलिए आप देखिए, आप उनका कचरा आपको दिखेगा ही नहीं, उनका कचरा आपको इधर उधर दिखेगा ही नहीं, बहुत स्पेसिफिकली उनके कचरे को क्या किया जाता है, डील किया जाता है। यस चलिए चेक कीजिएगा, रिस्पेक्ट फॉर लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट, फेयर प्रैक्टिस ब्रैकेट में ट्रांसपेरेंसी, वहां पे ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, स्पेलिंग गलत है, प्लीज वहां पे स्पेलिंग को सुधारिए, वहां पे ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। पेज नंबर 9, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट यूसेज, डिस्पोजल, लोअर एमिशन, इफेक्टिव वेस्ट हैंडलिंग। यस, आपको क्या यूज करनी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करनी है। ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो कम एमिशन करे, कम कार्बन एमिशन करे, राइट। प्रोडक्ट यूसेज एंड डिस्पोजल, आपको जो अपने कचरे को भी डालना है उसको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करने की जरूरत है, ऐसा नहीं उठाया कचरा बाहर डाल दिया, नहीं, आपको बहुत सोच समझ के। आप कभी देखिएगा जो लोग इसमें होते हैं ना, गोल्ड वगैरह के बिजनेस में होते हैं, इनफैक्ट यहाँ का जो दुकानदार होता है वो झाड़ू भी मैक्सिमम टाइम पे खुद ही निकालता है। रीजन, एक हाथ टुकड़ा भी अगर गिर गया होगा तो उसकी वैल्यू हजारों में होगी, तो आप मैक्सिमम टाइम पे देखेंगे अगर किसी का गोल्ड वाला बिजनेस है तो इनफैक्ट वो झाड़ू बहुत कम ऐसा होगा, अनलेस एंड अंटिल वो पर्सन विश्वास वाला होगा, वो झाड़ू भी जिस जगह पे काम चलता है गोल्ड का, वो झाड़ू भी उस जगह का वो खुद निकालेगा, पूरे उसको चेक करेगा और उसके बाद ही, क्योंकि गोल्ड का कचरा भी महंगे भाव में बिकता है। ध्यान से सुनिएगा, कचरे कचरे की बात है, बड़ी डीप बात है, जरा ध्यान से सुनना, कचरा कचरा होता है लेकिन बेटा गोल्ड का कचरा भी महंगे में बिकता है, क्योंकि इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ करके भी क्या किया जाता है, वैल्यू बनता है, राइट। वेस्ट हैंडलिंग, डिस्पोजल, प्रिजर्वेंस एटसेट्रा। यस, सम रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस विशफुली थिंक और मीनिंगफुली, कुछ बिजनेस की अगर मैं बात करूं, राइट, जैसे आजबा, इंडिया फर्स्ट सोशल एंटरप्राइजेस फोकस्ड ऑन विमेन, ये कुछ ऐसे बिजनेसेस के एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखे हैं कि जो क्या करते हैं, इन बारे में बहुत सोचते हैं। आईटीसी, क्या आपको पता है आईटीसी हैज बीन रैंक्ड एज द ग्रीनेस्ट होटल चेन इन द वर्ल्ड, ये बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा, आईटीसी इज द ग्रीनेस्ट होटल चेन इन द वर्ल्ड। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, कभी गोवा जाने का परमिशन घर से मिल जाए, ठीक है, और पैसे भी रहे जेब में, दोनों सिचुएशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है, कभी अगर गोवा जाने का परमिशन, तो खैर आप बचपन से सोचते आ रहे हैं, अभी भी तो आप जवान हुए और आप सोच रहे हो कि यार गोवा जाएंगे, काफी कुछ सुन रखा है आपने उस बारे में, ठीक है, कि यार चलो एक बार लाइफ में गोवा जाना है, एक बार तो भी जाना है, राइट, बंजी जंपिंग के लिए। घर में टीवी है, अपने मोबाइल में ना एक यूट्यूब चैनल सर्च करना, कोको मेलन, पोगो, आस्था, दिखेगा वहां पे। बंजी जंपिंग के लिए गोवा जाना है भाई को, अबे बंजी जंपिंग करना है ऋषिकेश जा, सही जगह है वो बंजी जंपिंग के लिए, राइट,
गोवा पता है काहे के लिए जाते हैं? खैर छोड़ो, द पॉइंट इज पानी पी रहा था मैं, उसमें क्या है, है ना? सो गोवा के अंदर में ना, साउथ गोवा में आईटीसी का होटल है. बिलीव मी, मैं अब तक के मैं इंडिया में काफी सारे होटल्स के अंदर में गया हूं, आईटीसी से बेस्ट होटल मेरे को आज तक नहीं मिला. पैसे उतरे, मैं ताज मुंबई में भी गया, महल होटल, ताज महल होटल, ताज महल होटल में भी, और वहां पे भी गया. यहां से समुद्र का व्यू बहुत प्यारा है, आईटीसी में रहने का मजा बहुत प्यारा है. इतना ग्रीनेस्ट होटल है जिसकी हद नहीं. आपको रूम के अंदर में मिनिमम 8-10 पेड़ पौधे दिखेंगे आपको, बड़े वाले अच्छे, इतना प्यारा रूम. हाँ फिर जाहिर सी बात है उसके कॉस्ट भी फिर 22,000 रुपए पर डे है. हाँ बट मैं क्या बोला आपको, एक मोमेंट आएगा ना मेरे भाई, तुम कमाओगे, राइट? मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको उस दिन अदर डे में आपको बता रहा था कि तुम्हारी जितनी इच्छाएं हैं ये सब 4-5 साल में सीए बनने के, सीएससीए में कंप्लीट करने के बाद ये 4-5 साल में सारी खत्म हो जाएगी. उसके बाद भी पैसा आएगा एंड यू विल बी लाइक करना क्या जीवन में इसका. फिर पता है क्या, तुम्हारा अपना बार ऐसा रेस कर देते, ओयो रूम से तुम शिफ्ट हो जाते आईटीसी में. अरे ऐसे बेकार लोग है, ठीक है, तुम अपना ये बढ़ा दोगे ना थोड़ा सा, तो तुम अभी तुम्हारे शौक पानी क्या ही रहेंगे जीवन के अंदर में, तो तुम बोलोगे यार चलो होटल में अच्छे रिजॉर्ट के अंदर में चलते. तो आईटीसी इज वन सच होटल जो आपने जाना, मतलब मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि बॉस आईटीसी के होटल का ऑप्शन अगर आपको मिले, आईटीसी कोलकाता, मैं आईटीसी कोलकाता में भी रुका हूं, इंटीरियर वाइज उससे बेस्ट होटल नहीं है. इंटीरियर इतना खतरनाक दिया है ना उसका, जिसकी हद नहीं. सो ग्रीनेस्ट होटल का खिताब कौन लेकर के जाता है सर? आईटीसी. लेमन ट्री होटल्स प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी. लेमन ट्री भी अपने ऑब्जेक्टिव्स में ये रखता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर है कुछ तो वो कहां जाते हैं बेटा? लेमन ट्री. लेमन ट्री उनको सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड प्रोजेक्ट शक्ति फॉर एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन. यूनिलीवर कंपनी क्या करती है? रूरल वुमेन को क्या कर रही है? एम्पावर कर रही है. तो ये क्या है, ये सब आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बिजनेस अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को क्या करता है, पूरा करता है. लिखिए साहब, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, हाई सेल्स, हाई प्रॉफिट, लो कॉस्ट. सोशल ऑब्जेक्टिव, कम्युनिटी सर्विस, हेल्थ केयर, एडुकेशन, सपोर्ट ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज. सोशल ऑब्जेक्टिव, कम्युनिटी सर्विस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सपोर्ट ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज.
क्या हुआ? लीगल ऑब्जेक्टिव, इंटीग्रिटी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंसी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ऐसा किसने बोला? लीगल ऑब्जेक्टिव, इंटीग्रिटी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंसी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, हेल्थ ऑफ बिजनेस, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, हेल्थ ऑफ बिजनेस, डाइवर्सिफिकेशन। डने जी, यो चलिए सर, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से फॉर्म है? फॉर्म का मतलब होता है कितने प्रकार से ये बन सकते हैं। एक तो हम सबको पता है प्रोप्राइटरशिप, राइट? आपको अगर नया बिजनेस चालू करना है, आप अपना क्या चालू कर दो? प्रोपराइटर कंसर्न चालू कर दो। प्रोपराइटरी कंसर्न क्या होता है आप मुझे बताएंगे? खुद का बिजनेस चालू करना है। कितने लोग रहते हैं? दो लोग मिलके काम करते हैं या एक आदमी भी हो सकता है? बड़ा स्ट्रक्चर होता है या छोटा स्ट्रक्चर होता है? छोटा। जाहिर सी बात है, एक आदमी रहेगा, उसके नीचे दो या तीन मैक्स नौकर हो सकते हैं, डिसीजन लेने वाला वो अकेला होता है। यस, बिजनेस रिस्की होता है, कभी अगर उसको कुछ हो गया तो बिजनेस का सर्वाइवल मुश्किल में आ जाएगा। हाँ या हाँ? यस, बिजनेस का सर्वाइवल क्या आ जाएगा? मुश्किल में आ जाएगा। लेकिन छोटे फॉर्म ऑफ वर्क के लिए या छोटे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए वही ठीक है। एक छोटा सा दुकानदार जिसकी एक दुकान हो, प्रोप्राइटरशिप के अंदर में मैक्सिमम वर्क करता है। लीगल कंप्लायंसेस के नाम पे सबसे इजी, लीगल कंप्लायंसेस के नाम पे सबसे इजी, दुनिया का सबसे इजी। क्यों? क्योंकि साल भर में आपको कोई कंप्लायंस नहीं करना पड़ता, सिर्फ फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। रजिस्ट्रेशन भी कहां होता है भैया? अगर आप देखोगे, आपको बिजनेस करने का जो लाइसेंस होता है वो ले लेना पड़ता है, आपका आपका प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड हो गया, पैन कार्ड ले लो, काम खत्म। सारा रिस्क उसी का, सारा कैपिटल उसी का, सारा प्रॉफिट भी उसी का। यस, 100% स्मॉल एंड वेरी इजी टू डेवलप, वेरी इजी टू डेवलप। डिसीजन मेकिंग का कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि डिसीजन जो लेने हैं वो अकेले ही लेने हैं, राइट? डिसीजन जो लेने हैं वो कैसे लेने हैं? अकेले ही लेने हैं। सो दिस इज द बेस्ट फॉर्म अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो। सो सोल प्रोप्राइटरशिप, पेज नंबर 10 पे आप देखेंगे, व्हेन एन इंडिविजुअल सीक टू मेक चॉइस टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ वंस ओन, टू बी वंस ओन बॉस, सोल प्रोप्राइटरशिप एमर्ज। तो एक इंडिविजुअल जब सोचता है कि भैया मैं मेरा काम करेगा, मैं मेरा बॉस, राइट? करने का होगा करेगा, नहीं करने का होगा नहीं करेगा, दोपहर में 1 बजे दुकान बंद करेगा, मैं 4 बजे वापस ओपन करेगा, आराम से 2 घंटा सोएगा। ये जो कंफर्ट मिलता है ये प्रोप्राइटरशिप में ही मिलता है। एज सच इट कैन बी रिगार्डेड एज द इजिएस्ट form of business as a human occupation. This is the easiest form of business. कैसा बेटा? Easiest form. क्यों easiest form है? क्योंकि कुछ extra करना नहीं पड़ता है इसके अंदर में। आपको product लाना है, product बेचना है, एक जगह होनी चाहिए जहां से आप एक business operate कर रहे हैं। Legal compliances के नाम पे आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। Sole entrepreneur. This form of business organization is much appreciated in entrepreneurship literature. The sole entrepreneur is regarded as a economic hero. Drawing analog from music, the sole entrepreneur is not merely the composer and director of enterprise orchestra, but also one person band. अगर music के angle से देखा जाए तो यही सब कुछ है, गाने वाला भी यही है, बजाना भी इसी को ही है, सब इसी को ही करना है, गाना लिखना भी इसको है, डायरेक्ट भी इसको करना है, सब कुछ इसी को करना है। और खैर बात सही भी है, अगर प्रोप्राइटर बिजनेस है तो बोर्ड से लेकर के हर चीज तक का सारा काम कौन करना है? उसी ने करना है। यस, द बिजनेस अंडरटेकन
कुड बी स्मॉल स्केल, इट मे बी हार्डली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इट मे नॉट बी इवन रजिस्टर्ड एज अ माइक्रो और स्मॉल स्केल बिजनेस एंटरप्राइजेस और इंडस्ट्री. यूजुअली दीज एंटरप्राइजेस, मोर सो लोकल रिटेलर, स्ट्रीट वेंडर आर वेल इंटीग्रेटेड विद द कम्युनिटीज दैट. सीधी सी बात है, जो आपके छोटे वेंडर्स होते हैं, जो छोटे आप देखेंगे छोटे ठेले वाले वगैरह भी होते हैं, दीज आर ऑपरेटिंग इन अ प्रोप्राइटरशिप फॉर्मेट, दीज आर ऑपरेटिंग इन अ प्रोप्राइटरशिप फॉर्मेट. यस, अगर आप प्रेस्टीज के बाहर ही निकल करके देखोगे, आपको एक छोटा सा जूस का गाड़ी दिख जाएगा, एक सैंडविच वाले भैया दिख जाएंगे, चाय बेच रहे हैं, खाना बेच रहे हैं, तो ये छोटे वेंडर्स हो गए एंड दे ऑलवेज ऑपरेट इन प्रोप्राइटरशिप. यस ऑलवेज, देयर कलेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इवन एक्सपोर्ट इज वेरी इंपैक्टफुल. एक आदमी का तो बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं क्रिएट होगा प्रोप्राइटरशिप का, पर ऐसे छोटे छोटे कई बिजनेस का जीडीपी में एक बड़ा योगदान जरूर रहेगा. दिस इंपैक्ट कैन इवन बी मोर कंसिडरेबल वेन वी टेक इन टू अकाउंट देयर इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन एज सप्लायर टू लार्ज एंड इवन मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस. ये जीडीपी में किस तरह से रोल प्ले करते हैं, ये जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनको ये छोटी छोटी चीजें क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यस अभी आप मेरे को एक बताइए, एक होटल को इमेजिन कीजिए, लेट से मैरियट्स, राइट. अब अगर आप होटल को इमेजिन करेंगे, अगर उनके अंदर में 15 से 20 ऑक्यूपेंसी भी है, तो डेली के चादरें, बेडशीट्स, जो पिलो कवर्स है, ये वॉश करने के लिए आते होंगे. आपको क्या लगता है, इसके लिए मैरियट से एक अलग से यूनिट बनाएगा या इसका कॉन्ट्रैक्ट किसी छोटे वेंडर को दे देगा? यानी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करने के लिए इनकी जरूरत है. मैरियट्स के अंदर में लोग खाना खाने के लिए आते हैं, रोज पनीर लगता है, फिश फिश प्रोडक्ट्स लगते हैं, चिकन चिकन प्रोडक्ट्स लगते हैं, एग्स लगता है. अब आप मुझे बताइए, ये वो खुद फार्म डाल के डेवलप करते हैं या छोटे वेंडर से सप्लाई लेते हैं? सीधी सी बात है, छोटे वेंडर से सप्लाई लेंगे. नाउ दिस इज वेरी सिंपली, देयर कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इंक्रीज होता है, क्योंकि ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं होते, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करने के लिए छोटे छोटे लोग जरूर लगते हैं, राइट. अभी कोई भी जन होटल में जाता है, वो वहां पर टावल यूज करता है. एवरी टाइम यू गो टू अ होटल, यू विल सी अ न्यू पेयर ऑफ टावल्स. न्यू पेयर मतलब रिफर्बिश टावल्स, जो धो के वॉश करके प्रेस करके रखे हुए होंगे. अब ये क्या वो साफ करते होंगे, या उन्होंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा? किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, जाहिर सी बात है. सो देयर इंपॉर्टेंस इज समअप्ड इन स्मॉल इज ब्यूटिफुल. ऑन द फ्लिप साइड, प्रोडक्ट फ्रॉम सच एंटरप्राइजेस आर ऑफन डेकोरेटेड कॉल्ड लोकल टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द ब्रांडेड. जनरली ये जो प्रोडक्ट होते हैं, ये स्मॉल स्केल में वर्क करते हैं, और जनरली इनके प्रोडक्ट के बीच में, प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है लोकल ब्रांड. इसके कारण ये ब्रांड से डिफर कर जाते हैं और ये यहीं का प्रोडक्ट है डिनोट करते हैं. जैसे अगर आप जाओगे लोनावला में, अगर आप जाओगे तो आप देखना वहां पे 100-150 दुकान, और 100-150 दुकानों का एक ही नाम है, मगन लाल चिक्की. 100-150 दुकान, सबका एक ही नाम, मगन लाल चिक्की. यस, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने क्या कर दिया, एक लोकल ब्रांड का एक इमेज क्रिएट कर दिया कि भैया लो, अगर आप लोनावला जा रहे हो तो मगन लाल की चिक्की खा रहे हो आप, खत्म. इन कॉमन परसेप्शन, वर्किंग कंडीशन इन दीज एंटरप्राइजेस आर पुअर. वर्किंग कंडीशन इनकी बड़ी पुअर होती है. सर पुअर क्यों होती है, सर पुअर क्यों होती है? मैन पावर ही कहाँ है, एक ही आदमी सब कुछ मैनेज कर रहा है. जब एक ही आदमी सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो हर जगह वो थोड़े ना पहुंच जाएगा. यस, दीज एंटरप्राइजेस आर बिलीव टू फॉलो हायर एंड फायर पॉलिसी. देर इज अ लैक ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर. देर इज अ टोटल लैक ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर. एम्प्लॉय वेलफेयर नाम की कोई चीज ही नहीं होती. वही एक आदमी है जो दुकान का काम भी कर रहा है, घर से टिफिन लेकर क्या जाए, एक काम कर भाभी को छोड़ कर क्या मार्केट के अंदर में, भाभी के साथ सब्जी उठा करके ले क्या, यानी वो एक ही आदमी से जीवन में सारा काम करवाया जा रहा है. एंड दे लैक सिस्टम टू इफेक्टिवली डील विद सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न. उनको कोई लेन देन नहीं सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न से. कचरा रहेगा वो लेंगे, बाहर रख देंगे, खत्म काम. वो कोई ऐसा डील नहीं करते कचरे को किस तरीके से हैंडल करना है. इन सोल, सोल मीन्स अ सिंगल इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप. द इंडिविजुअल एसेंशियली रिलाइज ऑन पर्सनल सेविंग एंड असेट्स. दे रिलाय ऑन पर्सनल सेविंग एंड असेट्स. गिव द हेडिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन.
एन इंडिविजुअल हु कैरी ऑन द बिजनेस, ही इज रिगार्डेड एज इकोनॉमिक हीरो एंड रिलाइज ऑन पर्सनल सेविंग. वो अपना खुद का पैसा लगाता है, रिलाइज ऑन पर्सनल सेविंग्स. एंजॉय ट्रस्ट ऑफ पीपल एंड प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड सर्विस. वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉय वेलफेयर आर पुअर. लिखता क्यों नहीं सीरियसली, कुछ इशू है पक्का? लिखता नहीं है तो क्योंकि क्यों श्योर नहीं है करना है नहीं करना है? बनाऊ मतलब भाई क्या कर रहा है यार, क्यों ऐसे कर रहा है? सीरियस नहीं क्या लाइफ में? श्योर नहीं अभी तक करना है नहीं करना है? तो फिर गलत कर रहा है यार, टेक्निकली टाइम वेस्ट कर रहा है दो बार, उससे बेटर रिवाइज करता था. जब ये श्योर है कि करना है तो फिर बुक अभी तक बना लेनी चाहिए थी तूने. वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉय वेलफेयर आर पुअर. इट इज ईजिएस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. Easiest and earliest form of business organization. डन जी, दैट्स इट. रुकेंगे आज के लिए यहीं, मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर के अंदर में. तब तक के लिए बाय बोलो बच्चों.